चेरी आ गई है किचन में। किचन में इसने पूजा करने के बाद में खीर बनाना शुरू कर दिया है। तो आज किचन की बागडोर चेरी के हाथ हो गई है। भैया खीर पहली बार ये बनाएगी जी। मेरा खाना बिल्कुल बन चुका है। ये है हमारे खीर, आलू की सब्जी, रायता, बेसन की मिर्ची, यहाँ पकौड़े हैं और यहाँ पूड़ी है। वो देखो उसके अलग आवाज आ रही है करके, और हमारे यहाँ क्या आती है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, जो मैंने मेहंदी आपको गलाई थी ना मेहंदी, वो अब आपके कलर ऐसा हो चुका है, बहुत सुंदर सा कलर हो चुका है। मैंने इसको वैसे मिक्स कर लिया है। जैसे देखो रात को नीचे ना यहाँ पे ना ये डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक कलर हो रहा है, तो बस इसमें मैं आप 2 चम्मच दही और डालूंगी ताकि इसका कलर ना और अच्छा आ जाएगा। और उसके बाद में जो बालों में शाइन आएगी ना, वो दही से बहुत अच्छी आ जाएगी। और जो बालों जो रूखे रूखे रहते हैं ना, वो रूखे रूखे बाल आपके बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसमें मैं 2 चम्मच दही डाल देती हूँ और अच्छे से इसको वापस फेट करके अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ। स्मूथ सा पेस्ट बनकर के रेडी हो चुका है और ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा ये अपना मतलब टफ है, बहुत बहुत अच्छा मोस्ट बना है इसका। तो बस फटाफट से इसको अप्लाई करूँगी और अप्लाई करने के लिए फटाफट से पहले मैं ये कुर्ता चेंज करके दूसरा पहनूंगी जो मैं मेहंदी में हमेशा पहनती हूँ वो वाला पहनूंगी, और फिर मैं इसको मेहंदी को फटाफट लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं कर लेती हूँ घर के बाकी के काम, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। वहाँ शैन भी सो रहे हैं, चेरी भी सो रही है, तो मैं क्या सुबह सुबह मेहंदी लगा लेती हूँ ताकि सारे काम फटाफट से हो जाए और मेहंदी भी सूख जाए। तो मैं 2-2.5 से 3 घंटे मेहंदी रखती हूँ, और 2-3 घंटे में मेरे घर के सारे काम निपट जाते हैं। तो फटाफट से मेहंदी लगाती हूँ और कर लेती हूँ बाकी के काम। चेरी आ गई है किचन में। किचन में इसने पूजा करने के बाद में खीर बनाना शुरू कर दिया है। तो आज किचन की बागडोर चेरी के हाथ हो गई है। भैया खीर पहली बार ये बनाएगी, क्या बात है। चेरी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो रुको 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 रुको, उसको पहले मिक्स करो, बाद में ये वाला बचीज बाद में। पहले मिक्स करो जो चावल डाले आपने, उसे मिक्स करो अच्छे से पहले, सीधे हाथ से। हाँ जी, धीरे धीरे, हाँ, ताकि वो चैट ना जाए। अपन चावल डाल चुके हैं इसके अंदर, पानी दूध वैसे भी बहुत उकल चुका था। तो अभी बनेगा क्या? उकलने दो दूध को, छोड़ छोड़ दे छोड़ दे, हिला दे भाई, हिला दे छोड़ दे, और इसमें रख दो कटोरी में रख दो उसको। बस धन्यवाद आपका बहुत बहुत, अब वो उकलता रहेगा। हाँ, इसको भी डाल दो हाथों हाथ ताकि ये पक जाएंगे। डाल दे पूरा, डाल दे पूरा, डाल दे। ये हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए इसके अंदर। ये बस इसको मिक्स कर दो अंदर अच्छे से। मैं देखो सब इसको सिखा रही हूँ भैया, कल को मैं बीमार बीमार पड़ जाऊँ बाई चांस ऐसे कुछ हो जाए, वैसे हो नहीं भगवान करे ऐसा ना हो, पर मुझे इसको सिखाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ध्यान इसका पूरा बाहर है, अभी भी बच्चे बाहर टपक टपक खेल रहे हैं, बच्चे घर में नहीं गए हैं। तो अभी भाग चुकी है देख हमारी औलाद, तो बस अभी बार बार इसको संभालना पड़ेगा खीर को, ताकि मैं भी नहा धो करके आ जाती हूँ और फटाफट से काफ़ी बाकी काम संभालते हैं। मैं आपको जो मैं अभी पकौड़े भी निकाल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि पकौड़े क्रिस्पी और कैसे बन सकते हैं। तो मैंने देखो ये मैंने फर्स्ट पावा इसके अंदर डाला हुआ है पकौड़ों का। इनको ज़्यादा सिकने नहीं देंगे, इनको हल्का सा ही सिकने के बाद में एक प्लेट में निकाल के फिर एक चीज़ से मतलब प्लेट से दूसरी प्लेट से ही प्रेस कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैंने हल्का सा इसको सेका है, उसके बाद में मैं इसको अच्छे से प्लेट से इनको सबको प्रेस करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, देखो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिए हैं और ऐसी छोटी प्लेट लेकर के मैं इनको अच्छे से प्रेस करूँगी। अच्छे से इसको हमने प्रेस कर लिया है, पता है प्रेस करने के बाद में ना ये थोड़े से पिचक जाते हैं, और जब उसको वापस तेल में डालते हैं तो इतने क्रिस्पी बनते हैं, आप ट्राई करिएगा। क्योंकि मेरे पापा को क्या ऐसे ही पसंद थे, तो मैं उसी तरह से आज बना रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो है इसी टेक्निक से बनाती थी, तो सच में बहुत टेस्ट लगते थे। तो बस चेरी को भी इसी तरीके से पसंद है, तो मैं इसी तरीके से आजकल बनाती हूँ और क्रिस्पी लगते हैं। तो देखो सारे ऐसे इस तरीके से ही हो गए हैं सारे, है ना। अब इनको मैं सबको वापस डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन जाएंगे ये सारे के सारे, और बहुत अच्छे से मतलब क्रिस्पनेस आ जाती है इसके अंदर बहुत अच्छी सी। और मैं वैसे भी मैं पकौड़ों के अंदर ना सूजी डाल देती हूँ, ताकि इसे सूजी डालने से थोड़ा सा ना अच्छे से और ना कुरकुरे बन जाते हैं, और इस टेक्निक से और डबल कुरकुरे बन जाते हैं। तो मतलब ना जहाँ आप 2 पकौड़े खाओगे वहाँ आपको 5-6 पकौड़े खाने में आ जाएंगे। तो सही में ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं तो देखो इसी टेक्निक से बनाती हूँ,
तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। मेरे देखो खीर बन चुकी है, मेरी पूरी बन चुकी है, मेरी सब्जी बन चुकी है, मेरे पकौड़े बन रहे हैं और बेसन की मिर्ची भी है। तो फटाफट से अभी ये सब करने के बाद ही मैं शाम को आवाज़ दूंगी और खाना उनको खिलाऊंगी। जी मेरा खाना बिल्कुल बन चुका है। ये है हमारे खीर, आलू की सब्जी, रायता, बेसन की मिर्ची, यहाँ पकौड़े हैं और यहाँ पूड़ी है। तो बस फटाफट से खाती हूँ, इस प्यारे से खाने का आनंद लेती हूँ और फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। वैसे मैं खाना खाती ही नहीं हूँ, मेरे बहुत टाइम हो गया, पर मेरे को लग रहा है कि मैं तुम्हारा खाना खाऊंगी। जो मैंने इतना वेट लूज किया उसका क्या, कोई बात नहीं, आज चीट डे है, बहुत टाइम हो गया तो आज खाते हैं और मजा लेते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी को पसंद था तो बस हमको भी पसंद करना पड़ेगा, आज तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरे पिताजी के पसंद का खाना है। तो बस खाते हैं और एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे चेरी खा रही है खाना, चेरी खा रही है खाना, अच्छा लगा। तो बस चलिए खाते हैं और एंजॉय करते हैं। इतना हैवी खाना खाने के बाद में मैंने शाम का जो भोजन है वो थोड़ा लाइट रखा है और मैंने बनाई है चौकी रोटी। यहाँ पे चौकी रोटी बन चुकी है और चेरी भी खाने बैठ गई है, पर मैं चौकी रोटी नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा सुबह बहुत हैवी खाना हो चुका था। अब मैंने बनाया है अपने लिए क्या बनाया था, मैंने अपने लिए भेलपूरी बनाई थी जो मैं खा चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है उसमें, और मैंने पतिदेव से मंगवाई थी। अब छाछ का पैकेट, ये छाछ का मैंने पैकेट मंगवाया, तो फटाफट से इसको खोल करके एक गिलास में छाछ पीऊंगी और एक गिलास में चेरी को दूंगी, बाकी छाछ रख दूंगी पतिदेव के लिए, तो उनको भी छाछ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फटाफट से बना लेती हूँ मैं छाछ, फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा। आहा छाछ तो अच्छी बनी है, इतनी अच्छी बनी थी कि मैं पहले से पी गई थी। और देखो मैं हमेशा सुड़ सुड़ करके छाछ पीती हूँ, जैसे अब बताती हूँ वापस आपको एक बार, वो देखो उसके अलग आवाज आ रही है ग्रर करके, और हमारी आवाज कैसे आती है जो ऐसे पीने में मजा आता है, सुड़ सुड़ करके आराम से आवाज करते हुए निकालो। देखो देखो गेली को देखो, दिख रही होगी पीछे आपको, मुझे नहीं दिख रही, अब देखो हम ऐसे पीते हैं तेरे से यार, ये टेक्निक है भाई टेक्निक, देखो ये मेरी नकल जा रही थी आवाज करने की, पर नाक में चली गई उसकी छाछ, नाक में छाछ चली गई, देखो खुल 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 कर रही है भाई। भाई टेक्निक देखो ऐसे करते हैं, और जो इतराते ना वो कैसे करता है, वो चाय दिखाई देगा आपको, ये ऐसे इतराते हैं लोग बस, और देसी लोग कैसे करते हैं, देसी लोग चलिए फैल जाएगी। रात के 10:30 बज रहे हैं और इस लड़की को अब याद आया है कि मुझे पापड़ खाना है, मुझे नहीं इसको पापड़ खाना है, तो ये देखो यहीं बैठी मेरे सामने, देखो देखो ना इसको ऐसे करो, गैस में डालो और ऐसे करो, ये बोल रही है ये चिमटा लो गरम करो ऐसे और इसके हाथ पे चटा दो, इसने बोला है आपके सामने कि मम्मी ऐसे करो और चटा दो हाथ पे, ऐसा नहीं करना, कभी भी मत करना, मजाक में भी मत करना भाई, ये ऐसी हरकतें कभी मत करना। तो 10:30 बज रही है और ये मक्की के पापड़ निकाल करके बैठी हो, इसको मक्की के पापड़ खाने, इसको ये वाले फ्राइम्स नहीं खाने, आज इसको यही खाने। तो चलिए इसी के साथ में आज के व्लॉग को हम यही एंड करते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इंडियन व्लॉग्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, गुड नाइट।